हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमने काफ़ी वीडियो आपके लिए अपलोड की हैं कि कैसे आपने प्रोग्राम बनाना है, टर्निंग का कैसे प्रोग्राम बनाना है, टेपर टर्निंग कैसे करनी है। बट आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में जो कि काफ़ी मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में और हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो वो जो डिफरेंस है वो आपको बताने जा रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, 100 में से जो 40% बाहर के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर क्या चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्या नहीं करवाई जा रही है, क्या डिफरेंस है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो टूलिंग की क्लास होती है, सबसे पहले जो इंसर्ट होती है, कौन कौन सी इंसर्टें होती हैं जो कि हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उनकी जो क्लास है उसके बारे में आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हो, ये इंसर्ट, अलग अलग तरह के इंसर्ट हैं, ये इंसर्ट, ये जो सारे इंसर्ट होती हैं इनके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम बनना है, क्योंकि कटिंग इन्होंने करनी है। प्रोग्राम तो आप बना लोगे लेकिन जो इंसर्ट है इंसर्ट से कटिंग होनी है। इंसर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट का जो ग्रेड है वो क्या डिफाइन करता है, उसका जो साइज है वो क्या डिफाइन करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली जो इंडस्ट्री में जो सीएनसी प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, मोस्टली 100 में से अगर 40% की बात करें तो उनमें क्या होता है कि कुछ ने क्या कर रखा है कि किसी के नीचे जैसे रह के काम सीख लिया, जिसको हम बोलते हैं किसी के चेला बन के काम सीख लेना, जैसे हम बोलते हैं ना किसी के नीचे रह के सीख लो या किसी का चेला बन के सीख लो, ठीक है, वो चीज़ सीखनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो बंदे को नॉलेज है वो क्या करवाएगा, कुछ चीज़ें आपको करवाएगा, कुछ चीज़ें नहीं करवाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती, तो वहाँ पर वह परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं हो आप। कुछ चीज़ों की आपको नॉलेज होगी, कुछ की नहीं होगी। बाद में आप इंडस्ट्री अगर चेंज करते हो, किसी और इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपसे अगर पूछा जाएगा इंटरव्यू में आपको ये चीज़ आती है, आप बोलोगे हाँ जी मैं बना सकता हूँ इस चीज़ को। कोई दूसरी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा आपको ये चीज़ आती है, तो आप बोलोगे नहीं मैं ये नहीं बना सकता, तो वहाँ पर आप प्रोग्रामर थोड़ा हुए। आपके पास ऑप्शन आ गई ना कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये हम बना सकते हैं, ये चीज़ नहीं बना सकते। जो मेन प्रोग्रामर होता है जिसको हम परफेक्ट प्रोग्रामर बोलते हैं, वो किसी भी तरह का पार्ट ईजिली बना सकता है, उसके पास ऑप्शन भी होनी चाहिए। कोई भी पार्ट मालिक आपको दे दे, किसी भी तरह की ड्राइंग दे दे, आपको उसका प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। तो दूसरी बात तो ये आती है। उसके बाद आगे तीसरी बात क्या है, जैसे कि आप ये पीछे हमारा सिलेबस देख रहे होंगे, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है सीएनसी प्रोग्रामिंग का। अब बात करते हैं ऑफसेट सेटिंग के बारे में। ऑफसेट सेटिंग क्या होती है, ऑफसेट सेटिंग का मतलब होता है मशीन की सेटिंग करना, वर्क जीरो ऑफसेट जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जो जॉब है और जो टूल है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको जीरो जीरो करना होता है, वो सेटअप देना होता है। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग का लेवल वो स्टार्ट होता है। आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग भी चार लेवल की होती है। अगर मोस्टली इंस्टीट्यूट बाहर की अगर हम बात करें तो कहीं पर क्या होता है कि ज़्यादातर तो सिंगल कट की प्रोग्रामिंग करवाते हैं। सिंगल कट में क्या होता है कि वैल्यू बार बार देनी पड़ती है और बार बार टूल को हवा में उठाना पड़ता है, रैपिड करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास चार तरह की प्रोग्रामिंग आपको करवाई जाएगी। सबसे पहले सिंगल कट की प्रोग्रामिंग, उसके बाद दूसरे नंबर पे साइकिल प्रोग्रामिंग, तीसरे नंबर पर आपको करवाएंगे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, चौथे नंबर पे इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। अगर ये चार लेवल की आपकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट है तो आप किसी भी तरह का पार्ट ईजिली बना सकते हो, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि क्या चार डिफरेंस है हमारे इंस्टीट्यूट में और बाहर के इंस्टीट्यूट में। सभी इंस्टीट्यूट की बात नहीं हो रही, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। आप बाहर जाके अपना टाइम भी वेस्ट करोगे। अगर ऐसे लोगों के पास आप फंस गए, फंसना ही बोलेंगे हम, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपका पैसा भी वेस्ट होता है, आपको दूसरी जगह दोबारा फिर सीखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो आगे हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। टॉलरेंस की क्लासेस, क्वालिटी कंट्रोल की क्लासेस, मेजरमेंट की क्लासेस, बाकी और भी कई सारी क्लासेस हैं, कैलकुलेशन की क्लासेस जो कि फॉर्मूले वगैरह होते हैं, कैसे आपने कटिंग स्पीड निकालनी है, कैसे आपने फीड निकालनी है, आरपीएम आपने कैसे निकालनी, वो कई सारी चीज़ें होते हैं। उन चीज़ों के बारे में, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने कहीं पर भी ज्वाइन करना है
कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मैं पंजाब के जो भी स्टूडेंट हैं, पंजाब के या लुधियाना के या कोई भी सिटी है, पंजाब के अंदर कोई भी सिटी है, लुधियाना है, जलंधर है, अमृतसर है, कहीं से भी अगर किसी स्टूडेंट ने सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है, वो एक बार विजिट करें हमारे इंस्टीट्यूट। आपको डेमो क्लास देंगे, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपने जहाँ ज्वाइन करना है वहाँ आप कर सकते हो, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम आपका है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको फोर्स नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में कि आपने हमें से करना है, ठीक है जी। बट आपको प्रॉपर उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमको जहाँ पर करवाया जा रहा है वो प्रॉपर सिलेबस है या नहीं है, कल को हमारा जो फ्यूचर है वो सही होगा या फिर ख़राब होगा, तो इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर कॉल करनी है, हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं 9888981852, दूसरा हमारा नंबर है 9888681852, इन नंबर्स पर आप कॉल करके डेमो क्लास का टाइम सेट कर सकते हो और जब मर्जी आप आ जाइए। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सोमवार से लेके एतवार संडे भी हमारा ओपन होता है, जो मॉर्निंग की टाइमिंग है हमारी सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, और रात की अगर टाइमिंग करें तो शाम को 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ओपन है, जब मर्जी आप विजिट कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।